दवा दुकानदारों की एक शीर्ष संस्थान ने ऑनलाइन दवा बिक्री को नियमितीकरण करने के केंद्र के कदम के खिलाफ एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत हमीरपुर में भी दुकानों को बंद रखा और उपायुक्त के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। हमीरपुर में भी केमिस्ट ऑनलाइन दवा कारोबार का जमकर विरोध कर बाजार में एकत्रित हुए और उनका आरोप है कि रिटेल में FDI और बॉल मार्केट के विरुद्ध कैंट का भारत व्यापार बंद का न्योता है। हमीरपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर भोटा चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और अपना विरोध दर्ज करवाया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि ई फार्मेसी से उनके धंधे पर खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे दवाइयों के दुरुपयोग का जोखिम पैदा हो सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे नशे का व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द केमिस्टों की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो केमिस्ट सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आज पूरा भारत वर्ष के केमिस्ट ने बंद किया हुआ है, बंद का आह्वान है हमारा। और ये बंद जो है ऑनलाइन दवा विक्रेता जो है, विशेषकर जो ऑनलाइन बिक्री दवाइयों की जा रही है, उसके विरोध में है तथा इससे क्या होने वाला है, ये नशे का व्यापार बढ़ने वाला है और आने वाले समय में हो सकता है दवाइयों का भी अभाव ग्राहकों को झेलना पड़े। ये हमारी मांगें हैं कि आने वाले समय में इस सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से जो ऑनलाइन जो फार्मेसी शुरू की जा रही है उसको बंद किया जाए। ये हमारा सब केमिस्टों का यहाँ पे आह्वान है। और जैसे हमारी एसोसिएशन जो FMRA के साथ जुड़ी हुई है, जैसे पूरे ऑल इंडिया के हमें निर्देश आएंगे उसके अनुसार हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। इसके सरकार से हमारी सेंटर में जो केंद्र में हमारी एसोसिएशन बैठी हुई है, शिंदे जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है और हो सकता है इस पर कोई निष्कर्ष निकले।